अनुसूचित जाति आरक्षण के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि आरक्षण के वर्गीकरण की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन जिस प्रकार से उपजाति के नाम पर चंद्रबाबू नायडू के समय किया गया था वह असंवैधानिक है, जिसके चलते सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को बताना चाहिए कि कुछ नए आधार पेश करें और उस पर जांच करते हुए यह देखा जाए कि वह संवैधानिक है अथवा नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट उपजाति मानती है और उस पर कानून बनाती है तो यह पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। देखिए, इसमें क्लासिफिकेशन किस ग्राउंड, क्लासिफिकेशन जो है इस क्लासिफिकेशन की जरूरत है ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन इस क्लासिफिकेशन का मुद्दा क्या है? जो सबकास्ट है उसके मुताबिक, मतलब जो चंद्रबाबू नायडू के वक्त हुआ था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि सबकास्ट जो है उसके आधार पर हुआ। लेकिन दूसरा और कोई आधार हो, ये मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कहना चाहिए कि भाई आप नए आधार हमारे सामने लिया या आप किस तरह से इसको करना चाहते, और फिर उसको संवैधानिक तौर से जांच करनी चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि जात विरहीन सोसाइटी बनाना ये संविधान का मूल सिद्धांत है, और ये मूल सिद्धांत को आप अगर कहोगे कि नहीं हम सबका सुप्रीम कोर्ट मान्य करती है और उस पर कानून बनाती है तो ये जजमेंट पूरा संविधान के खिलाफ।